जिस लेवल पर पूरा देश 2016 में साक्षी साक्षी कर रहा था, ऐसी विदाई क्या आपने भी सोची थी? नहीं, उसके लिए विदाई मैंने नहीं सोची थी कि इस तरह की विदाई अपने गेम से करेगी, लेकिन ये सिचुएशन है जो ऐसी हो गई, जो थे इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे थे, WIFI अध्यक्ष के लिए लड़ रहे थे कि यहाँ किसी महिला अध्यक्ष का पद होना चाहिए, तो स्टार्टिंग से जैसे ये वहाँ पे बैठे थे तो प्रोटेस्ट काफ़ी लंबा चला, और जो मंत्री जी से भी बात हुई अनुराग जी से कि अध्यक्ष के बारे में कि भैया आपके हम अध्यक्ष बना देंगे बना देंगे, आप हम शांति रखो आपको न्याय मिलेगा। तो अभी 5-6 दिन पहले भी मंत्री जी ने बुलाया था इनको कि आ जाओ बात करते हैं, तो तब भी इनको आश्वासन दिया था कि आपसे आपके साथ न्याय होगा। तो जैसे ही कल WFI अध्यक्ष का पद हुआ और वो उनको अध्यक्ष बनाया गया, सारे ब्रजभूषण के फेवर के ही आदमी बन गए, तो वो देखते हुए तो इसी वजह से उसने अपनी विदाई ले ली कि कोई फायदा नहीं, मैंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है तो मैं ये चीजें सहन नहीं कर सकती। ये प्लानिंग से था क्या पहले से कि नहीं, प्लानिंग, आप प्लानिंग देखिए, प्लानिंग होता तो अब भी वो सुबह शाम इतनी मेहनत कर रही है अपने मेट पे, नौकरी भी कर रही है और मेट पे मेहनत भी कर रही है। उसने ये सोचा था कि मैं ओलंपिक में गोल्ड और लेके आऊँ, और हालांकि उसका रिसेंटली इसमें कॉमनवेल्थ में गोल्ड भी है, तो वो खूब मेहनत करती थी और आप सब लोगों को पूरे देश को बताओ कितनी मेहनती है। तो ये कोई प्री प्लानिंग थी, तो एकदम से अचानक उसके दिल पे इतनी ठेस लगी है कि मैंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद मेरा कोई औचित्य नहीं है कि मैं मैट पर दोबारा चढ़ूं, मैं इसी चीज के लिए लड़ रही थी कि WFI अध्यक्ष बने, फेडरेशन अच्छी बने, तो उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो उसने अचानक अपना ये फैसला लिया कि मैं तो इसको त्याग देती हूँ, अपनी कुश्ती को, ऐसे बंदों के साथ मैं काम नहीं कर सकती, ब्रजभूषण जैसे बंदों को, क्योंकि ब्रजभूषण खुद उसका सहयोगी है, उसका पार्टनरशिप है, उसका राइट हैंड है, वो अपने बच्चों से भी ज्यादा उसको चाहता है। तो आपने कल देखा भी होगा जो कि अध्यक्ष कोई बना है, अध्यक्ष संजय सिंह बने हैं और माला ब्रजभूषण के गले में है, तो आप ये देखिए कि बना कौन है। तो इस वजह से उसने अपनी विदाई ले ली कि मैं ऐसे बंदों के साथ काम नहीं कर अच्छा, सकती। फिलहाल साक्षी प्रैक्टिस कहाँ कर रही थी? वो दिल्ली में ज्यादा करती थी और सैटरडे संडे को यहाँ आती थी, तो सुबह शाम यहाँ प्रैक्टिस करती थी रोहतक में। नहीं, अपना दिल्ली उसका अखाड़ा है, उसकी जहाँ जॉब है कर्नल स्टेडियम है वहीं पे अखाड़ा है, वहीं पे और भी है अखाड़े आसपास, तो अपने वहाँ प्रैक्टिस करती थी। आपकी बात हुई, आज प्रैक्टिस की उसने? नहीं, आज प्रैक्टिस तो अपना जैसे फिजिकल फिट है वो तो अपना आज रखेगी, क्योंकि एक खिलाड़ी है, एकदम से अपना सुबह उठना जो उसका रूटीन होता है डेली का, सुबह का शाम का रूटीन होता है, उसको नहीं छोड़ सकती वो सुबह है। आज तो उसने प्रैक्टिस नहीं की, आज तो उसका ये है जैसे कल जो आया था विदाई दी है अपनी रेसलिंग से, मीडिया है उसने फोनों पे बात करनी है, तो आज उसने कोई मैं उस पर नहीं गई, लेकिन अपने सुबह शाम अपनी फिजिकल फिट के लिए हम भी करते हैं, वो भी करेगी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो उसने कल अपना त्याग है, जो अपने शूज अपने वहां टेबल पर रखे हैं मीडिया के सामने, संजय सिंह ब्रजभूषण के जो आदमी फेडरेशन में काम कर रहे हैं, तो मैं इस वजह से अपना त्याग दे रही हूँ, जब तक ये कर रहे तो मैं त्याग ही दे रही हूँ, उसने अपना त्याग दे दिया। ऐसे मतलब इस डिसीजन को ठीक मानते हैं आप? जी बिल्कुल मानती हूँ, मैं इस हक में हूँ, हम कितना लड़े वो इतना लड़ी है, देश ने साथ दिया है, बच्चों ने देख दिया है, आपने भी देखा होगा, मैं बूढ़ी महिलाएं और भी जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, आने जाने का किराया भी नहीं, वो बेचारे पता नहीं कैसे कैसे अपना अरेंजमेंट करके जब दिल्ली आए हैं, उनका साथ दिया प्रोटेस्ट में, और हम मैं भी वहां पे बैठी हूँ, मेरा परिवार भी और भी पूरा देश भी, तो हमें कोई ये हमें न्याय नहीं मिला, तो हमें तो ये ठीक ही उसका फैसला लगा कि चलो उसने अच्छा फैसला ले लिया, हम उससे खुश हैं। कल तो सारा दिन बड़ा मतलब दुख हुआ, बार बार टीवी भी देख रही थी मीडिया में, मैं फोन भी देख रही थी, तो बहुत रोना आया था, रोना तो अब भी आता है, पर कोई बात नहीं, उसने जो किया अपना ठीक है, अपना अपना आगे वो फ्यूचर लोग देखेंगे। कुछ लोग जो ब्रजभूषण के समर्थक है, इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं कि शायद अब राजनीति में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। राजनीति में क्या, लोगों का पहले पता चल जाता है राजनीति में एंट्री करेगी। अब उसने अपनी कुश्ती छोड़ दी, उसने अपना भविष्य देखना, वो क्या करना, उसना वो उनकी बातें छोड़ो, वो तो दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती रहती है, लेकिन अपनी कुश्ती दी उसने छोड़, रेसलिंग दी उसने छोड़, ऐसे लोगों के जो फेडरेशन में आए हैं, तो आगे के लिए अभी उसके पास सोचने का टाइम नहीं है, अभी वो इस चीज से उभरने में उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो बाद में बताएंगे, आपके पास करवा रही हूँ। वो शायद शायद शाम को आ जाए।